मैं एक बात पूछ रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के बड़ी से बड़े लीडरांस और इनके तमाम प्रवक्ताओं ने कहा, हमारे मित्र जफर इस्लाम साहब भी बैठे हुए, कि ये आतंकवादी हमेशा मुसलमान ही क्यों होते हैं? ये कैसी टिप्पणी है? और चौकीदार चोर अगर कहना गलत है तो आपको याद होगा कि हमारे नेता के प्रति कैसी चोरी की बात कही गई। कोई FIR था कि आप उनको टोटी चोर कह रहे थे? आपके बड़े बड़े नेताओं ने कहा, क्या इस पे भारतीय जनता पार्टी को क्षमा नहीं मांगनी चाहिए कि जो भी हमारे प्रवक्ता ने या जो भी हमारे बड़े नेता ने कहा, हमने न्यायालय की शरण ले सकते थे लेकिन नहीं ली। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र के अंदर अगर कोई राजनीतिक दल है तो वो खेत और मेड़ की लड़ाई नहीं लड़ते, वो विचारधारा की लड़ाई लड़ते हैं, वो अपनी नीतियों से देश चलाने की लड़ते हैं। कोई भी राष्ट्र दल यहाँ जो राजनीतिक बैठा है उसका कोई भी व्यक्ति राजद्रोही नहीं है।